Hey guys, welcome to my YouTube channel. And आज हमारे YouTube चैनल पर है धर्मेंद्र सर. ऐसे तो इनको किसी पहचान देने की ज़रूरत नहीं, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनका YouTube चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट नेम से, और उस पर वो YouTube के बारे में बताते हैं, YouTube अकाउंट कैसे खोला जाए, YouTube से अर्निंग होती है नहीं, जो कि आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं. आपसे आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब इन्होंने दिए हैं. एंड इन्हीं से ही मैंने चैनल बनाया, मतलब सीखा, सब कुछ इन्हीं से सीखा है मैंने. तो मेरे बेसिकली ये गुरु हैं. और आज मैं इनके घर आई हुई हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए, इनका घर घूमने के लिए, जिसका व्लॉग भी आपको देखने के लिए मिलेगा. इस इंटरव्यू वीडियो के बाद आएगा ये व्लॉग भी. तो सर आप भी कुछ बताइए अपने बारे में. मैंने तो बता ही दिया सब कुछ बता दिया जो थी. और सबसे पहले जो भी ज्योति जसवाल यूट्यूब चैनल के मेम्बर्स, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार. तो सर मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं अच्छे अच्छे, जिसके कि आज आपको जवाब देना है. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर. तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गांव के लोगों का क्या रिएक्शन होता है. आप यूट्यूब पर इतने फेमस है, लगभग हर यूट्यूबर आपको जानते हैं, तो उन लोग का रिएक्शन कैसा रहता है गाँव के लोग? जी हाँ, गाँव के लोग या फिर जो भी आपको जानते हैं. गांव के लोग, आप हमारे गांव में आएंगे तो किसी को पता नहीं है. वो सोचते हैं कि ये लगता है कैमरा वाले घूमते रहते हैं, शादी वगैरह में वीडियो कैमरा करते हैं, बस यही जानते हैं. और कोई नहीं जानता यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसके बारे में. अच्छा, और कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं. ओके okay. अच्छा सर, आपका कोई ऐसा ड्रीम जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ होगा, आप उसको पूरा करना चाहते हैं? जैसे सबका कुछ होता है, जैसे कार लेना, बाइक लेना, ऐसे तो कार आपके पास है, बट और भी कोई ड्रीम होगा आपका? वो तो पापा जी का कार है वो. अच्छा, ड्रीम तो देखना जरूरी है, हर कोई को ड्रीम देखना चाहिए. बिकॉज सपने नहीं होंगे तो फिर लाइफ में आदमी करेगा क्या. तो सपना है, बहुत बड़ा सपना है, बहुत सी चीज़ें हैं. ड्रीम है कुछ बड़ा प्रोडक्शन टाइप से, कोई कंपनी बिजनेस करने का ड्रीम है, बड़ा बिजनेस करना, और जो भी पैसे उसमें जनरेट हो, जितने भी पैसे जनरेट हो उसको अच्छे कामों में लगाया जाए. जैसे जो नीडी पीपल्स हैं, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने की, जो ज़रूरत है उन तक पैसे पहुँचा. क्योंकि वो चीज़, मैं खुद के लिए नहीं पैसे, आज भी मैं YouTube से इतने पैसे कमाता हूँ, रखता नहीं हूँ बिल्कुल, सब समाज सेवा में लगा देता हूँ. और वही मुझे मतलब एग्जैक्ट खुशी उसी में मिलता है, और वही मैं चीज़ करना चाहता हूँ. कुछ ढेर सारे पैसे कमा जाए और लोगों को ढेर सारा जितना हो सके उतना हेल्प किया जा सके. एंड सर बहुत हेल्पफुल भी है. मैं कल यहाँ आई थी एंड कल से मैं यहाँ पर हूँ. मैं अभी तक यही देख रही हूँ सर, पूरा बिजी रहते हैं, सर का शेड्यूल इतना हैक्टिक है सिर्फ हेल्प करने में. कभी इसका कॉल आ रहा है उसको हेल्प कर रहे हैं, कोई आ गया तो सर उसका हेल्प कर रहे हैं. सर बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिला कल से लेकर आज तक में. चलिए अपना अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलते हो? और खेलते हो तो कौन सा गेम पसंद है? गेम्स कंप्यूटर पे नहीं खेलते हैं, गेम्स बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है. वही बचपन में जो कबड्डी वबड्डी बड़ा शौक होता है खेलने का, कबड्डी वबड्डी खूब खेलते थे हम लोग, क्रिकेट वगैरह खेलते थे. गाँव का जो खेल होता है ना, जो बचपन में खेले उसी से बड़ा लगाव है. ये गेम वगैरह बच्चे मेरे खेलने लगे हैं मोबाइल में, गेम अभी छोटे छोटे हैं बट वो खेलते, हमको कभी भी नहीं लगाव रहा उससे. अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि अभी टिकटॉक का बहुत क्रेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो क्या आप टिकटॉक पर हो? और आपका मन करता है क्या कि कभी टिकटॉक पर भी आऊँ, कुछ सिखाऊँ उस पर भी लोगों को? नहीं, टिकटॉक पे मैं तो नहीं हूँ, बट टिकटॉक अगर आप क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपको बनना चाहिए. बिकॉज वो एक बहुत अच्छा इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, और ऐसा नहीं रह गया कि केवल फनी कॉमेडी के लिए, आज है हर टाइप के लोग वहाँ पर बनाकर शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा रीच हो रहा है उससे और काफ़ी अच्छा चीज़ है. हालांकि मैं तो नहीं हूँ ज्योति, लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरा कॉन्टेंट जो है थोड़ा अलग है, इसलिए मैं नहीं हूँ. बट आई एम थिंकिंग कि आ जाए. चलिए सर आइएगा तो जरूर बताइएगा सबको. sure. और सर ये जानना है कि आपको रिव्यू के लिए तो बहुत सारे सामान आते होंगे. बहुत सारे तो वो सारे सामानों का करते क्या है? सामानों का दान कर देते हैं. जैसे अभी तुमको रोड का बड़ा वाला माइक हम तुमको दे दिए, ले जाओ हाँ. तुमको काम आएगा तुम्हारे ब्लॉगिंग में. वो बहुत दिन से पड़ा हुआ था रोड का, जो माइक होता है बड़ा वाला, वो वाला पड़ा हुआ था, कोई लेकर नहीं गया. वैसे जिसको जितनी ज़रूरत होती है जो मिल गया, सेल नहीं करता हूँ मैं किसी को, गिवे में भी नहीं करता हूँ ज़्यादा. बट जो हमारे नीड आसपास में ही लोग, इतने लोग हो जाते हैं, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सबको दे देता हूँ, ले जाओ यूज़ करो. थैंक यू सर, रोड के माइक के लिए. और कोई मेरे पास जो आता है उसको जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट उसी में से दे देता हूँ. ये एक बढ़िया चीज़ होता है मेरे पास. अच्छा, टू इन वन का. सर अगला क्वेश्चन ये है कि आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट हो, लोगों के इंस्पिरेशन हो, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है, या फिर आप किन की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या फिर किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं? हर तरह के वीडियोस देखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. फनी कॉमेडी, कुकिंग वगैरह,
जैसा नीड होता है उस टाइप के, और ऐसा नहीं है कि फेवरेट यूट्यूबर, बट अच्छा लगता है, सबको वॉच करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है जो मेहनत करता है, बढ़िया डेडिकेशन दिखा रहा है, काम कर रहा है, बट ग्रो नहीं कर पा रहा है, उस पर मेरा नज़र जरूर रहता है कि कैसे भी ये लड़का जो है ग्रो करे, अच्छा करे। ऐसे तो मैंने देखा है सर, आपको बहुत सारे लोगों का कम्युनिटी में शेयर भी करते हैं, हेल्प करते हैं। ज्योति चाय लीजिए, ठंडा हो रहा है। अच्छा सर, चाय वाय होते रहेगा। अगला जानना है लड़कियों के लिए, सबसे जो मेन होता है कि क्या लड़कियों को सोशल मीडिया में आना चाहिए, जैसे कि टिकटॉक है, यूट्यूब है, अभी भी लोग बोलते हैं कि लड़कियों को इंटरनेट वगैरह से दूर रहना चाहिए, इन सबसे दूर रहो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, क्यों दूर रहना चाहिए? बिकॉज आप कुछ इनसिक्योरिटी, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होगी, आपके फोटोज़ वीडियोज़ का थोड़ा दुरुपयोग कर सकता है कोई। देखिए वो चीज़ें जो हैं उस, वो तो ऐसा चीज़ है कि वो कभी भी कोई भी कर सकता है, उसके लिए आप अपना इसका बेनिफिट भी दो, प्रोज भी दो, हर चीज़, हर सिस्टम का प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो इसके फ़ायदे भी तो देखिए, आपको एक अच्छा रीच मिल रहा है, एक अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, आप उससे पॉपुलर हो सकते हैं, उससे ढेर सारा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो छोटी सी चीज़ के लिए आप क्यों इतना बड़ा अंकुश डालेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और डेफिनेटली गर्ल्स जो है वर्क कराए और काम करें, और ख़ास करके आप एक लड़की हैं, बिहार झारखंड से हैं और एक ब्लॉगर हैं, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रैवल ब्लॉगर करके इतना गट्स होना चाहिए कि पब्लिक में आप कैमरा उठाकर बात कर सकें। डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, लड़के हम अगर बिहार झारखंड में आते हैं, कैमरा उठाकर बोलते हैं तो 10 लोग जुड़ जाते हैं कि अरे क्या कर रहा है ये, बट आप लड़की होकर इतना डेयरिंग रखी है तो आई सल्यूट यू। थैंक यू सो मच सर, यही चाहिए आपकी सोच सबके, यही चाहिए लड़कियों के लिए, हर लड़की के लिए मैं यही कहूँगा। यदि कोई भी लड़कियाँ देख रही है, यदि हो सकता है मैं आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकूँ, तो प्लीज़ कीजिए, मुझे भी डर लगता है। आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा कि मैं सिर्फ फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ, कैमरा है बट फ़ोन ज़्यादा हैंडी रहता है, तो अभी भी फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ सर, अभी भी सबको लगता है कि मैं कैमरा से व्लॉगिंग करती हूँ, और लोग मुझसे कहते हैं दी मेरे पास तो बस फ़ोन ही, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सर बता दीजिए, शायद आपसे सुन करके विश्वास हो जाए। नहीं नहीं, फ़ोन हर कोई फ़ोन से शुरू करता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वीडियो क्लियरिटी दिखाना ही एक कंटेंट हो गया, आप जो व्लॉगिंग वगैरह हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है ना, जब यूट्यूब पे आप हमको देखते हैं, इनको देखते हैं, या किसी को भी जो फेवरेट क्रिएटर को देखते हैं आप, तो ऐसा नहीं है केवल उनका कंटेंट ही आप देखते हैं, होता क्या है कि उनसे आपको इंटरनली वर्चुअल एक रिलेशनशिप हो जाता है, जान पहचान हो जाता है, वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कैसे कर रहे हैं, एक आदत सा बन जाता है कि हाँ देखते हैं इनको, तो ये चीज़ें हैं, और उससे आपका ग्रोथ होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन देखिए, जो लोग भी केवल इन्वेस्ट करते जा रहे हैं शुरू में, सोचे कि बाद में हम कराएंगे, मेरे पास कैमरा हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, DSLR हो जाएगा, बड़ा ट्राइपॉड हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, अच्छा तब करेंगे, नहीं वो करेंगे तो वो चीज़ बस इकट्ठा करते में रह जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल चल पाएगा, कीजिए, काम करते रहिए, बाद में पैसे तो आते रहेंगे, पैसे आएंगे तो फिर आप वो ऑटोमेटिकली सब कुछ खरीद सकते हैं। मैंने भी कभी भी पेरेंट्स के पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा, जो भी आया यूट्यूब से स्टार्ट किया, और उससे भी जितने पैसे आते गए, बहुत सारे गियर्स खरीदा, फिर रिव्यू के लिए आते गए, तो ये चीज़ें हैं, खरीद के कभी भी उस पर डिपेंड मत होइए। ये पूछना तो नहीं चाहिए, हाँ। बट ये जानना है कि आप अभी कितना अर्न कर लेते हैं यूट्यूब से? अभी अगर यूट्यूब की बात करें तो अभी तो बहुत कम हो गया है, नहीं सर अप्रॉक्स 50K एक्सपेक्ट कर सकते, हाँ यूट्यूब से। अच्छा ठीक है सर। और सर ये भी जानना है कि जैसे आपको पता है कि यूट्यूब्स को मतलब यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है यूट्यूब पर, क्योंकि रोज़ न्यू टॉपिक्स चाहिए, तो आप कितना टाइम देते हैं यूट्यूब पर, कितना टाइम स्पेंड करते हैं? ये मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि मेरे पास जो फैमिली मेरा है उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और कोई भी चीज़ें नई चीज़ें आ गई तो मैं कभी भी उसको सब कुछ छोड़ के नहीं लग जाता हूँ वीडियो बनाने में, पहले काम अपना निपटाता हूँ फिर यूट्यूब सेकेंडरी। सर के घर रुकी, सर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देते, तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा, और सर के घर पे मैं रुकी हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने के घर पे हूँ, एक बार भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ, मतलब बस सुबह से सर खिला रहे मतलब ऐसा लगा कि सर के घर यदि 10 दिन रुक गई ना तो मोटी हो जाऊंगी, मतलब क्या कहूँ। और सर की मतलब मेहमान नवाजी में सर कहीं पीछे नहीं रहते हैं, आपको यहाँ आकर के सर से मिलकर के सर बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, मैं आपकी जितनी बड़ाई करूँ सर वाकई कम है। बस पब्लिक समझ गई है, सब जानती है जनता सब जानती है सर, मानती हूँ, मगर होता है ना दिल से निकल रहा है अभी। नहीं आप उतना दूर से आए हमारे घर तो फर्ज बनता है हमारा, और ये हमारी संस्कृति है बिहार, कुछ मिले या ना मिले ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगा, बिहार झारखंड में कहीं भी जाएंगे तो ये जो चीज़ है ना आपको कहीं मिस नहीं। और सर लास्ट में कुछ बोल दीजिए मेरे चैनल के बारे में भी और मेरे सब्सक्राइबर को।
हाँ, ज्योति जायसवाल जो यूट्यूब चैनल है, ट्रैवल व्लॉगिंग का बेसिकली चैनल है इनका, और वीडियोज़ मैंने देखा, बहुत ही ध्यान लगा के, बहुत ही मेहनत करके ये कंटेंट क्रिएट करती हैं। और इनका जो मिशन है कि हमको निफ्ट में पढ़ाई करना, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है वाया दिस ब्लॉगिंग चैनल, तो वो सफल हो। और हमारे जितने सब्सक्राइबर देख रहे हैं या फिर आपके जो भी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ इनको ज़रूर देखिए, ताकि ये फ्यूचर में अपना ड्रीम ज़रूर पूरा कर सके। क्योंकि आप ही की छोटी छोटी हेल्प से ही मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही, बस आपसे आपका वक्त मांग रही हूँ कि 10 मिनट यदि आप मेरे ब्लॉग देख लेते हो तो उससे मुझे कुछ अर्निंग हो जाएगी, एंड इससे मैं अपना ड्रीम जो है पढ़ाई का वो पूरा कर पाऊँगी, एंड इसमें कहीं ना कहीं आप भी हिस्सेदार होंगे। और सर के चैनल पर भी मेरा और आदित्य का इंटरव्यू आने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा, या फिर हो सकता है जब तक ये वीडियो डलाएगा आ चुका होगा, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और सर के घर का भी मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है, ट्रेन ब्लॉग शूट किया है यहाँ से डेहरी ऑनसन रांची से आने का, तो सब कुछ भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर से जाकर देखिए। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। वीडियो अब यहीं एंड होता है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।